वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगले टॉपिक आइसोमरिज्म के बारे में। तो आइसोमरिज्म के बारे में हम इस वीडियो में पूरी डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स की आइसोमरिज्म्स होती हैं, और पूरी एग्जांपल्स के साथ मैं आपको ये पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँगा। सो आइसोमरिज्म, सबसे पहले आइसोमरिज्म होती क्या है कि व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जब कोई दो कंपाउंड्स या ज़्यादा कंपाउंड्स, मतलब सेम कंपाउंड्स हों, मोलिकुलर फार्मूला तो सेम हो, सॉरी सेम कंपाउंड्स नहीं, सेम मोलिकुलर फार्मूला हो, अलग अलग कंपाउंड्स हों बट उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों की डिफरेंट हो, तो हम उन्हें कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, एंड इस फिनोमिनन को हम आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो आइसोमरिज्म की बेसिकली टू टाइप्स में इसको डिवाइड किया जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म वो होती है जिसमें के जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स भी चेंज हो सकते हैं, मतलब के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर्स अलग अलग बन सकती हैं कंपाउंड्स की। स्टीरियो आइसोमरिज्म्स में क्या होता है कि स्ट्रक्चर सेम रहती है बट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स वो चेंज हो जाता है। जो रिलेटिव अरेंजमेंट, मतलब के किसी एटम के आसपास जो एटम्स हैं उनका एक दूसरे के रिलेटिव जो अरेंजमेंट बनता है वो चेंज हो जाता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, इसके बाद है मेटामरिज्म, एंड लास्ट वन इज़ द टोटोमरिज्म। एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म की हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं तीन, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ये पूरा आइसोमरिज्म है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं इनमें। सबसे पहले है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इज दैट द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट अलग बनना। अब इसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में? सबसे पहले है चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म आपको नाम से पता चल जाएगा कि चेन अलग यहाँ पर बनने वाली है। तो जैसे कि जो सिंपल एग्जांपल से हम स्टार्टिंग करते हैं, जैसे कि चेन आइसोमरिज्म को हम न्यूक्लियर आइसोमरिज्म भी बोलते हैं। एग्जांपल है हमारे पास पेंटेन की। तो पेंटेन का मोलिकुलर फार्मूला क्या बनेगा? C5H, यहाँ पर H कितने आएंगे, आपको जनरल फार्मूला केन्स का याद रखना है। तो C आएंगे आपके पास 5, तो मैं यहाँ पर पेंटेन का जनरल फार्मूला उतार देता हूँ, C5 और H आएंगे आपके पास 12। तो ये है पेंटेन का जनरल फार्मूला। तो इस जनरल फार्मूले के साथ कौन कौन से डिफरेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो बन जाता है नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन मीन्स एन पेंटेन जो कि सीधी चेन वाला एक बनता है पेंटेन। फिर क्या है कि अगर लास्ट सेकेंड कार्बन के ऊपर एक कार्बन आ जाए और टोटल में आपके पास 5 कार्बन हो, देन इट इज़ कॉल्ड आइसोपेंटेन। तो इसी में एक और आपके पास फॉर्म बन सकती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सिर्फ चेन को हम चेंज यहाँ पर कर रहे हैं। तो थर्ड वन अगर 2 कार्बन आ जाएं लास्ट जो सेकंड है उसके ऊपर, तो ये बन जाता है नियोपेंटेन। तो ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स बनती हैं, मतलब कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो यही रहेगा C5H12, बट डिफरेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनमें के सबसे पहले बनता है एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। सो दीज आर ऑल कॉल्ड आइसोमर्स और चेन आइसोमर्स। तो ये इस फॉर्मूला के चेन आइसोमर्स हैं, मतलब एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन आर द आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, एंड ये इनके कॉमन नेम्स हैं। सेकेंड हमारे पास है फॉर्म, दैट इज़ द पोजिशन आइसोमरिज्म। तो पोजिशन आइसोमरिज्म मतलब किसी चीज़ की पोजिशन चेंज यहाँ पर होगी तो पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि डबल बॉन्ड या फिर जो भी मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं या फिर किसी फंक्शनल ग्रुप, उनकी पोजीशन यहाँ पर चेंज होगी, बाकी सभी कुछ सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक नंबर पर है डबल बॉन्ड, यहाँ पर है 2 नंबर पर, तो ये बनेगा ब्यूट 1 ईन और ये बनेगा ब्यूट 2 ईन। ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स बन जाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम रहता है बट ये डिफरेंट है इन द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। तो ऐसे ही हमारे पास पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में अगर चेंज आए तो प्रोपेन 1 ओल एंड प्रोपेन 2 ओल ये बन जाते हैं हमारे पास पोजीशन आइसोमर्स। तो आपको ध्यान रखना है पोजीशन आइसोमर्स में चेन सेम होनी चाहिए। तो चेन यहाँ पर सेम है हमारे पास, ओनली फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है।
सो ये था आपके पास चेन आइसोमरिज्म। अगली है फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमरिज्म में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ही अटैच होगा। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जब हो, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स बट सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, वो बनाते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। तो सबसे पहले है अल्कोहल्स एंड ईथर्स। हमें पता है कि अल्कोहल्स में क्या लगता है, OH ग्रुप, एंड ईथर्स में क्या लगती है, ऑक्सीजन। अगर हम इनका जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो दोनों का सेम बनता है CnH2n+2। CnH2n+2 के साथ O लग जाता है, तो ये दोनों का सेम फॉर्मूला बनता है, जनरल फॉर्मूला। तो इसमें से हमने एक एग्जांपल दी है, N को 2 पुट कर C2H6O, जिसके साथ के हमारे पास इथेनॉल एंड मिथॉक्सी मिथेन। तो दो कार्बन वाली अल्कोहल बना लें या फिर दो कार्बन वाला ईथर बना लें, उनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H6O। बट दोनों ही डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। किस चीज़ में उनमें जो बेसिकली डिफरेंट आया है, वो डिफरेंस आया है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का, एक है अल्कोहल तो एक है यहाँ पर ईथर। तो दोनों ही अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं बट विद द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। ऐसे ही एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स एंड ईथर्स, ये चारों कौन कौन से यहाँ पर आपके पास मिलेंगे, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स एंड ईथर्स। ये जो अनसैचुरेटेड है ये दोनों के लिए है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल एंड ईथर्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये चारों का जनरल फॉर्मूला सेम बनता है, CnH2NO, CnH2NO। जैसे कि C3H6O की हम एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं, C3 कार्बन वाला यहाँ पर हम देखेंगे कीटोन, दैट इज़ द प्रोपेनोन और एसीटोन, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, दैट इज़ द प्रोपेनल, एंड 3 कार्बन्स वाला जो हमारे पास है अनसैचुरेटेड अल्कोहल, दैट इज़ द प्रोप 2-in-1-ol, एंड 3 कार्बन वाला अनसैचुरेटेड ईथर्स, मिथोक्सी इथीन, इथीन लगेगा यहाँ पर। तो ये सभी का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बन रहा है C3H6O। तो आपको इस हेडिंग से याद रखना है, हेडिंग के साथ आप खुद भी एग्जांपल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बनते हैं हमारे पास फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमर्स की बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, आप जैसे कि यहाँ पर डाइंस, अलीन्स एंड अल्काइंस में भी बना सकते हैं। डाइंस दो डबल बॉन्ड वाले, अलीन्स के होते हैं जिनमें के दो डबल बॉन्ड एक साथ आ जाएँ और साथ में अल्काइंस। तो ये सभी एग्जाम्पल्स आपको खुद रीड कर चेक करनी है। सो आगे चलते हैं, फोर्थ टाइप इज़ द मेटामरिज्म, दैट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ द फंक्शनल, स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह से पोजीशन आइसोमर्स भी बन सकते हैं। मेटामर्स आर ऑलवेज द पोजीशन आइसोमरिज्म भी ये साथ में शो करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स होती हैं यहाँ पर, आप इसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड पर ही कार्बन एटम्स अटैच हों, जैसे कि ईथर्स हैं या फिर एस लगा हो, सल्फर लगा हो, थायो ईथर्स हैं, या फिर NH हो, ए सेकेंडरी माइंस हो, या फिर CO है, कार्बोनाइल ग्रुप है, इनके आसपास जो कार्बन ग्रुप्स की चेन लगती हैं उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स अगर अटैच हों, तो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, दैट आर कॉल्ड मेटामर्स। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल C4H10O का हमने फॉर्मूला चूज़ किया है, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इस चार कार्बन का हम यहाँ पर ईथर भी बना सकते हैं, ये सिंपल ईथर है, दो दो कार्बन। तो दूसरा इसका क्या बनता है कि एक साइड पर बनेंगे ए, हमारे पास टोटल बन जाएंगे 3, और दूसरी साइड पर 1, तो ये इसका बन जाता है मेटामर। तो इसका एक और मेटामर बन सकता है, ये भी इसका एक मेटामर बन सकता है। इसमें क्या है, एक साइड पर कितने कार्बन हैं, सेम जैसे यहाँ पर थे A3, और यहाँ पर भी 3 हैं, दूसरी साइड पर 1 है, बट यहाँ पर इसकी जो पोजीशन चेंज हो गई है, दूसरे नंबर कार्बन नंबर 2 पर हमने अटैचमेंट की है इस ग्रुप की, तो इसलिए ये दोनों अलग अलग मेटामर्स हैं। इसके दो मेटामर्स हैं जो दोनों अलग अलग हैं। तो ये दोनों आपस में बिल्कुल भी मेटामर्स नहीं हैं, ये दोनों आपस में क्या बनाते हैं, ये दोनों आपस में बनाते हैं पोजीशन आइसोमर्स। तो अगर आपको ये दोनों आ जाएं, तो आप इनको ये बता सकते हैं कि ये इथोक्सी इथीन इथेन के मेटामर्स हैं, बट आपस में ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं, क्योंकि मेटामर्स में हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को चेक करते हैं, यहाँ पर वो सेम है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर भी 3 है। सो दीज टू आर नॉट मेटामर्स ऑफ ईच अदर, बट आर मेटामर्स ऑफ द इथोक्सी इथेन। नेक्स्ट वन इज ईस्टर्स कैन ऑल्सो शो द मेटामरिज्म। ईस्टर्स, इन द ईस्टर्स अगर हम ग्रुप को चेक करते हैं तो वहाँ पर RCOO, तो ये COO का ग्रुप लगा होता है, इसकी दोनों तरफ के हम कार्बन्स को चेक कर सकते हैं।
यहाँ पर इधर है वन और इधर है दो, और यहाँ पर इधर है दो और यहाँ पर है एक। यहाँ पर ग्रुप के एंड्स अलग अलग हैं, इसलिए ये दोनों अलग अलग हमारे पास में एटामर्स बन जाते हैं। तो ये आपके पास में एटामरिज्म की एग्जांपल्स थी, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इनकी, तो वो आप किसी भी रेफरेंस बुक से रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं टोटोमरिज्म, दैट इज़ द वेरी वेरी स्पेशल, इट इज़ दैट स्पेशल काइंड ऑफ द फंक्शनल आइसोमरिज्म। ये फंक्शनल आइसोमरिज्म की एक स्पेशल टाइप है, इसमें के फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है, बट यहाँ पर क्या होता है कि जो टोटोमर्स हैं वो एक इक्विलिब्रियम फॉर्म करके रखते हैं, मतलब सेम कंपाउंड में ही दोनों फॉर्म्स इक्विलिब्रियम फॉर्म कर एग्जिस्ट करते हैं। सो इन दिस आइसोमर्स एग्जिस्ट इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। ये होती कैसे है, दिस अराइजेस व्हेन द माइग्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू द अदर पॉलीवेलेंट एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल विद द नेसेसरी रीअरेंजमेंट ऑफ लिंकेजेस। थोड़ा सा डेफिनेशन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि जब एक पॉलीवेलेंट एटम से हाइड्रोजन किसी दूसरे पॉलीवेलेंट एटम के साथ जुड़ जाता है उसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो हम इसे बोलते हैं टोटोमरिज्म। तो टोटोमरिज्म की बहुत सारी अलग अलग हमारे पास होती हैं काइंड्स, इट हैज़ अ डिफरेंट काइंड्स, बट उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ द कीटो इनोल टोटोमरिज्म। कीटो मींस कीटोन ग्रुप, और साथ में इनोल मींस डबल बॉन्ड विद अल्कोहलिक ग्रुप, डबल बॉन्ड विद ओएच ग्रुप और या फिर कीटोन्स। सो इट इज़ जस्ट ए वन टाइप ऑफ द राइट सिस्टम। राइट सिस्टम मींस जो हाइड्रोजन है वो जिस एटम से उतरेगी उसका जो थर्ड एटम होगा, एक एटम छोड़कर जो थर्ड एटम होगा उसके साथ वो अटैचमेंट अपनी बनाएगी। फ्रॉम द वन पॉलीवेलेंट एटम टू द थर्ड पॉलीवेलेंट एटम वो अटैच होगी, अपनी पोजीशन को चेंज कर देगी। सो वन कंटेन द कीटो फॉर्म, अदर कंटेन द इनोलिक, मींस दैट के डबल बॉन्ड विद ओ एच ग्रुप, दैट इज द इनोलिक फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन ये शो करता है, एसीटोन जो सिंपल फॉर्म में मिलता है उसे हम एसीटोन बोलते हैं, कीटो फॉर्म है उसकी, उसमें कीटोन ग्रुप है। सो 99.7% यही मिलता है हमें, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। और दूसरी तरफ क्या है, इनोलिक फॉर्म कैसे बनती है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन उतर कर जाएगा, सो यहाँ से इस कार्बन का एक हाइड्रोजन उतर कर इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास इनोलिक फॉर्म, जिसका के अमाउंट बहुत ही लो रहता है। ऐसे ही आप साइक्लोहेक्सेनोन में भी शो कर सकते हैं, उसमें भी अमाउंट काफ़ी लो रहता है। तो ऐसे ही डिफरेंट कंपाउंड है, एस्टेल्डिहाइड है, एस्टेल्डिहाइड में भी ये हो सकती है। तो कीटो इनोल ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स रहती है। तो कीटो फॉर्म की ज़्यादा स्टेबिलिटी होने का कारण क्या रहता है कि कीटो फॉर्म में जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन में, जो डबल बॉन्ड फॉर्म होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसलिए कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट हमारे पास 99% 98% कीटो फॉर्म मिलता है। हमें ज़्यादा ऑब्टेन होगा, कौन सी फॉर्म ज़्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करेगी वो डिपेंड करता है इनकी स्टेबिलिटीज़ पर। अगर इनोल की स्टेबिलिटी किसी कारण के साथ ज़्यादा हो जाए, जैसे कि इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ डाई कीटोन्स में इनोल की फॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि आपने यूज़ किया है फिनोल्स, फिनोल्स आर आल्सो एग्जिस्ट इन द टोटोमरिज्म, बट उसकी जो फिनोलिक फॉर्म है, जो उसकी हमारे पास इनोलिक फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि उसमें एरोमेटिक रिंग बन जाती है, जबकि उसकी जो यह कीटो फॉर्म होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं स्टेबल होती, इसलिए हमें फिनोल ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि यह कीटो और इनोल में से दोनों का अमाउंट ही ज़्यादा मिल सकता है, बट ये डिपेंड करता है उनकी स्टेबिलिटीज़ पर। नाउ द कंडीशंस फॉर एग्जिबिटिंग द टोटोमरिज्म, इसके लिए कौन सी कंडीशंस हैं कि मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड बाय डबल और द मल्टीपल बॉन्ड्स विद अदर एटम्स, तो विद कार्बन एटम, तो कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए जो मल्टीपल बॉन्ड्स बना रहा हो, जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड या फिर ना इसमें N हो सकता है, या फिर NO का डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो, या फिर C डबल बॉन्ड NH हो, ऐसा कुछ हो तो ही वो इसमें टोटोमरिज्म शो कर सकता है। एंड द कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट वन एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका जो है हमारे पास पॉइंट कि कंपाउंड में एक एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है। एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, द हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ऑन द सैचुरेटेड कार्बन। सैचुरेटेड कार्बन मतलब जो कार्बन सैचुरेट हुई हो, कोई भी उसके साथ मल्टीपल बॉन्ड ना हो, उसके साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच हुआ ज़रूर होना चाहिए,
तो ही इसमें हमारे पास जो है वो टोटोमरिज्म शो होगी। जैसे कि आपने देखा एसीटोन के पास, एल्डिहाइड्स के पास, सबके पास एसिडिक है, हमारे पास हाइड्रोजन एटम होता है जो कि वहाँ से अपनी पोजीशन को चेंज करता है। आगे चलते हैं। सो द लास्ट टाइप इज़ द रिंग चेन आइसोमरिज्म। इसमें जो एक्स्ट्रा है एक टाइप, तो रिंग चेन आइसोमरिज्म में क्या है कि अगर हम किसी चेन को रिंग में चेंज कर दें तो उन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, बट वो दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। तो कंपाउंड्स पोसेसिंग द ओपन चेन एंड द साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो फॉर एग्जाम्पल अल्काइंस एंड साइक्लोअल्कीन्स, अल्काइंस जैसे कि प्रोपाइन, अगर हम इस कार्बन को इसके साथ जोड़ दें तो वो बन जाएगा साइक्लोप्रोपीन। नेक्स्ट वन इज अल्कीन्स एंड साइक्लोअल्केन्स, तो अल्काइंस के साथ साइक्लोअल्कीन्स, अल्केन्स के साथ साइक्लोअल्केन्स। जैसे कि हम अगर प्रोपीन के जो एंड टू एंड कार्बन हैं उनको जोड़ दें तो साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। तो इनके जनरल फॉर्मूलाज हमें सेम यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं, तो उससे आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। ऐसे ही अनसेचुरेटेड अल्कोहल एंड साइक्लिक ईथर्स होते हैं, इसको इसके साथ जोड़ता है इस ऑक्सीजन के साथ, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगी, तो ऐसे ये एक रिंग बना सकते हैं, इसका नाम बनता है ऑक्सीटेन। तो ये थी आपके लिए कुछ एग्जांपल्स, जो आपकी छह टाइप थी, ये थी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। आगे हम शुरू करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो आपको अगर इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानना है तो आप इसके लिए किसी रेफरेंस बुक को, एनसीईआरटी बुक को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म की। सो इसके बाद है आपके पास स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म ने मैं आपको बताया था कि सेम मोलिकुलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट द डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम्स और ग्रुप इन स्पेस। स्पेस मतलब आसपास उसके जो रिलेटिव अरेंजमेंट्स हैं वही डिफरेंट होने वाले हैं यहाँ पर, बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम रहेगा। सो द फर्स्ट टाइप इज़ द कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म वहाँ पर शो होते हैं जहाँ पर बॉन्ड्स के आसपास रोटेशन पॉसिबल हो, जैसे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अल्केन्स में ये जनरली कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म शो होती है। तो स्टीरियो आइसोमर्स विच डिफर इन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ एटम्स विद इन द मोलिक्यूल एंड विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड सिंपली बाय रोटेशनल अबाउट द सिग्मा बॉन्ड, बाय रोटेशन अबाउट द सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के आसपास रोटेशन कर कर हम जितने भी डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स को बना सकते हैं, ऑल आर कॉल्ड द कन्फॉर्मेशंस। तो इनमें से जो कुछ कन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहती हैं हम सिर्फ उनकी ही स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बाकी इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस हो सकती हैं। जैसे कि कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, कन्फर्मेशन ऑफ इथेन की इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस में जो मोमेंट्री अरेंजमेंट्स रहेंगे उन एटम्स के स्पेस में, उनमें से केवल दो फॉर्म्स ही जो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज़ द स्टेगर्ड एंड सेकेंड वन इज़ द एक्लिप्स्ड फॉर्म, ऑल अदर आर कॉल्ड स्क्यू और गोशे। तो स्टैगर्ड में क्या है कि एक जो हमारा कार्बन है जो कि हमसे दूर है, मतलब हमारे से ये ऑपोजिट है, और ये कार्बन एटम है हमारे ये फ्रंट में है, इसके हाइड्रोजन ऐसे अटैच हुए हैं, एक हाइड्रोजन है एक नीचे की तरफ और दो हाइड्रोजन हमारी तरफ है, और उसके जो दो हाइड्रोजन हैं उसका जो हाइड्रोजन एक ऊपर को है और दो हाइड्रोजन उस दूसरी तरफ है। तो ऐसी फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। तो अगर इन दोनों का अलाइनमेंट सेम हो जाए, अगर इधर भी ऊपर को है और इधर भी ऊपर को हो जाए, मतलब दोनों एक दूसरे के रिलेटिव मतलब आमने सामने बन जाएं और यहाँ पर ऑपोजिट बन रहे थे, तो ये बन जाती हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो ये इनकी जो रिप्रेजेंट है इसे हम सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। इनकी एक और रिप्रेजेंटेशन बनती है, दैट इज़ द न्यूमैन्स प्रोजेक्शंस। न्यूमैन्स ने क्या किया कि जो डॉट के साथ है वो हाइड्रोजन, वो कार्बन शो किया है जो कार्बन आगे है, हमारे आगे हैं, हमारे फ्रंट में है, मतलब ये जो था यहाँ पर कार्बन एटम इसको उन्होंने डॉट के साथ शो किया है, जो यहाँ पर था पीछे की तरफ उसको उन्होंने राउंड बनाकर सर्कल बनाकर शो किया। तो डॉटेड पोजीशन में जो हमारे पीछे की तरफ हाइड्रोजन्स हैं उनकी पोजीशंस हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर इसकी फॉर्म की गई है। दोनों सेम हैं बट रिप्रेजेंटेशंस वक्री वक्री हैं। तो सा हॉर्स एंड द न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। तो ये थी कन्फर्मेशंस। तो कन्फर्मेशंस ये आपने इथेन की हैं, प्रोपेन की भी बन सकती हैं, ऐसे बहुत सारे जो कंपाउंड्स जिनमें रोटेशंस पॉसिबल हैं उनमें कन्फर्मेशन बन सकती है। अब आपको ये तो पता होगा कि पाई बॉन्ड के आसपास रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड रहती है, रोटेशन वहाँ पर हिंडर्ड हो जाती है, तो इसलिए उनमें शो होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्योंकि रोटेशन नहीं हो सकती तो रिलेटिव अरेंजमेंट एटम्स का आमनो सामने में जो भी होगा
तो वो डिफरेंट आइसोमर्स बना डाएगा। तो रोटेशन अबाउट ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गली हिंडर्ड और रिस्ट्रिक्टेड एज ए रिजल्ट रिलेटिव पोजिशन ऑफ द एटम्स और ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड गेट फिक्स्ड। तो जो भी ग्रुप्स अटैच हुए होते हैं उनकी पोजिशंस यहाँ पर फिक्स हो जाती हैं, जिसके कारण के उनके डिफरेंट आइसोमर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो इनमें जो है हमारे पास बेसिकली दो फॉर्म्स बनती हैं। अगर तो डबल बॉन्ड के आसपास, डबल बॉन्ड के आसपास अगर सेम ग्रुप्स एक साइड पर ही आ जाएं, मतलब दोनों एक साथ हों, एडजेसेंट बन जाएं, तो उसे हम कहते हैं सिस आइसोमर। अगर ऑपोजिट हो जाएं तो उसे हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर। ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। ये आपके लिए जस्ट एक इंट्रो है। तो आप इसके बारे में अगर और जानकारी आपको इसके बारे में चाहिए तो आप कोई रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसके लिए अलग से वीडियोस बनाएंगे जिसमें कि पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और इनकी कौन सी फॉर्म्स हो सकती हैं, इसके अलावा सिस और ट्रांस के अलावा कौन से आइसोमर बन सकते हैं, वो सभी कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ द लास्ट जो है इसमें, वो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है कि ऑलमोस्ट सभी कुछ ही सेम रहता है, बट सिर्फ सिंपली क्या है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है उसका प्लेन रोटेट कैसे करता है कंपाउंड, उसमें डिफरेंस मिलता है। तो आपको इसके लिए पहले ये मालूम होना चाहिए कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट का क्या मतलब है। जो नॉर्मल होती है लाइट उसमें जो है वो वाइब्रेशन इन ऑल प्लेन्स इन स्पेस, स्पेस में सभी प्लेन्स में वाइब्रेशंस हमें मिल जाती हैं, तो हम उसे किसी पोलराइजर में से पास करवाते हैं, दैट इज़ द निकोल प्रिज्म में से। तो एक डायरेक्शन की वाइब्रेशंस को हम जस्ट वहाँ पर रहने देते हैं और बाकी सभी को रिमूव कर देते हैं। वो एक प्लेन की वाइब्रेशन वाली जो रेज होगी, जो रेडिएशंस होंगी, उनको हम बोल देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अब हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में से पास करवाते हैं। तो अगर तो ये कंपाउंड हमारा उस सब्सटेंस का प्लेन रोटेट करवा देता है तो हम उसे बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस क्या है, जो इसके प्लेन को, जो प्लेन पहले यहाँ पर ऐसे था और बाद में जो प्लेन है वो ऐसे रोटेट हो गया, तो ये जो यहाँ पर एंगल चेंज हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो ये कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं जो के प्लेन को रोटेट करते हैं। सो ये दो टाइप की रोटेशन से शो कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट। राइट वाले बनते हैं डेक्स्ट्रो, लेफ्ट वाले बनते हैं लेवो। सो डेक्स्ट्रो एंड लेवो रोटेटरी दो टाइप के बन जाते हैं। सो इनको हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के साथ शो कर सकते हैं। ये जो सेम मोलिकुलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट ऑप्टिकल आइजो, डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो जनरली जो भी कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं उसमें उसमें आप ये कह सकते हैं कि उनमें एक काइरल कार्बन होता है, वो कार्बन जिसके साथ के फोर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों, वो कार्बन होता है, और जो इनकी मिरर, जो इनकी मिरर इमेजेस बनती हैं वो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं। तो इसके साथ ये एक और प्रॉपर्टी बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इनेंशियोमरिज्म, इनेंशियोमर्स। तो ये हमारे पास इनेंशियोमर्स भी बना सकते हैं। तो इसके पास एक काइरल कार्बन रहेगा जिसको हम स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये स्टार लगा हुआ कार्बन है, इसके साथ सभी चार के चार ग्रुप्स अलग हैं, तो इसकी जो मिरर इमेज फॉर्म होगी वो अपनी कंपाउंड पर नॉन सुपर इम्पोजेबल रहेगी, इसके कारण हम उसको बोल देते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये टॉपिक आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा है जो कि आप अपने प्लस टू क्लास के अपने प्लस टू क्लास के हेलोकेन्स एंड हेलोरिन्स के चैप्टर में रीड आउट कर सकते हैं। तो ये जो दो फॉर्म्स के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, उनको हम इनेंशियोमर्स भी बोलते हैं। जैसे कि टू क्लोरोब्यूटेन, इन्होंने टू नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस फॉर्म की हैं। सो दीज आर कॉल्ड द इनेंशियोमर्स। सो ये था आपके लिए आइसोमरिज्म का पूरा टॉपिक। आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म कम्प्लीटली इसमें रिविज़न हो गई है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सभी फ्रेंड्स की इसमें हेल्प हो सके। तो अगर आप प्लस टू क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप क्लास प्लस वन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं,
तो आपको ये वीडियो से ज़रूर देख लेनी चाहिए, आपको काफ़ी इसके साथ हेल्प मिलेगी। एक दो बार अगर आपने इस वीडियो को सुना है तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और अच्छे से याद करने में आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स मिल गए हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके जो प्रीवियस दो पार्ट्स हैं उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनको आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।